बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही यमी और बहुत ही लजीज ब्रेड पिज़्ज़ा, जो बनाने और खाने दोनों में ही बहुत यमीस्ट होते हैं। मगर रेसिपी के जानब बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नीचे दिए हुए रेड बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। रेसिपी बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिए गाजर। गाजर को हमने स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है। देन हमने लिए कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, उसको भी हमने स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है। फिर हमने लिया है कैबेज। कैबेज को हमने लंबा लंबा कट कर लिया है और बारीक बारीक करके। फिर हमने लिए है चेडर चीज़ एंड मोज़रेला चीज़। अब ब्रेड लिए हैं हमने 4 स्लाइस वाली, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसके बाद हमने लिए चिकन। चिकन को भी हमने स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है। 2 टेबलस्पून हमने मायोनीस लिया है। 2 टेबलस्पून हमने सिरका लिया है। 2 टेबलस्पून हमने केचप लिया है। 2 टेबलस्पून हमने सोया सॉस एंड 2 टेबलस्पून हमने चिली सॉस लिया है। चिली फ्लेक्स हमने कर लिए हैं थोड़े से, ये हम एंड में स्प्रिंकल करने के लिए काम आएंगे हमारे पिज़्ज़ास पे। देन हम लेंगे एक पैन, हमारा पैन थोड़ा कबले मसी वाला है, आप चाहें तो दूसरा भी ले सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल डाला। देन हमने इसके ऊपर हमारी जो वेजिटेबल थी हमने 1/2 इसमें ऐड कर दिए एंड 1/2 हम एंड में यूज़ करेंगे। इसके बाद हमने पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट डाला है एंड पिंच ऑफ ब्लैक पेपर डाला है। इसके बाद हम इसको इतना पकाएंगे कि पूरे घर में अच्छे से खुशबू हो जाए। जब हमारे घर में खुशबू होने लगेगी तो हम इसको निकाल लेंगे, यानी सोते कर कर अपनी वेजिटेबल को अलग निकाल लेंगे। चुकी है, अब हम इसको अलग निकाल देंगे। फिर हम अपना पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून ऑफ ऑयल। देन हम अपना डालेंगे ज़ीरा यानी क्यूमिन सीड। देन हम डालेंगे अपनी चिकन जो हमने स्क्वायर पीसेस में कट करके रखी हुई थी। ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से डालेंगे इसको। जब ये फड़फड़ाने लगे देन हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक लहसुन। अदरक लहसुन डालने के बाद हम अपना डालेंगे चिली यानी रेड चिली पाउडर। देन हम डालेंगे इसमें चाट मसाला, यानी कि जो चाट मसाला होता है मोस्ट फेवरेट होता है हम लड़कियों का, तो वो डालेंगे। देन हम इसमें डालेंगे नमक। डालने के बाद हम अपने डालेंगे इसमें सॉसेस यानी कि चिली सॉस, सोया सॉस एंड वेनेगर। सब चीज़ें डाल के हमें अपनी चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई करना है। इसको इतने अच्छी तरीके से फ्राई करना है कि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए, चिकन का अपना पानी भी और जो इसमें हमने सॉसेस ऐड करें उसका पानी भी अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाना चाहिए। चिकन का हमारी चिकन टेंडर रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होनी चाहिए, मतलब अंदर से ये थोड़ी सी जूसी जूसी सी रहे तो ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। अब हम अपने स्लाइस के तमाम चारों तरफ से कॉर्नर हटा देंगे, वो हम ब्रेड क्रम्स के लिए भी यूज़ करते हैं, उसको स्पॉइल करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे अपना केचप। केचप को अच्छी तरीके से हम स्प्रेड कर लेंगे। देन हम इस पर अपनी मायोनीज़ लगाएंगे। मायोनीज़ को भी हम अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। बेहतर ये होगा कि आप पहले मायोनीज़ स्प्रेड कर लें, क्योंकि केचप के बाद मायोनीज़ बहुत ज़्यादा स्लिप होता है, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आप पहले मायोनीज़ लगाएं देन इस पर केचप भी लगा लें। इसके बाद हम डालेंगे हमने जो वेजिटेबल अपनी फ्राई करके रखी थी उसको डालेंगे। अपनी वेजिटेबल को हम अच्छी तरीके से इस पर डेकोरेट कर देंगे पिज़्ज़ा के ऊपर, जो हमने अपनी फ्राई करके रखी हुई थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। देन हम इसके ऊपर अपनी चिकन की जो फिलिंग है हमारी वो रेडी हो चुकी है, मैं दिखाना भूल गई हूँ, सॉरी। देन हम उसको वो लगाएंगे, चिकन की फिलिंग जो हमने रेडी करके रखी हुई थी, तीनों स्लाइस पर अच्छी तरीके से हमें उसे लगा देना है। जब तक हम अपने पिज़्ज़ास पर चिकन लगाते हैं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो से आप जुड़े रहें। चिकन डालने के बाद हम इसमें अपनी चीज़ ऐड कर देंगे। मोज़रेला एंड चेडर चीज़ हमने जो रखी हुई थी वो दोनों हमने इसमें ऐड करनी है। मैंने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं की थी, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से हम ज़्यादा चीज़ ऐड नहीं करते। आप चाहें तो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती है, इवन बड़ों को भी आजकल चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छे से चीज़ ऐड करने के बाद हम अपने जो सब्ज़ियाँ बचा के रखी थी वो ऐड कर देंगे। कैरेट एंड कैप्सिकम,
गाजर एंड शिमला मिर्च जो हमने अपनी बचा के रखी थी, आप चाहें तो बड़े पीसेस में भी कट कर सकते हैं, जैसे बड़े पिज़्ज़ास में डली हुई होती हैं, डो वाले पिज़्ज़ास में जो डली हुई होती है, स्क्वायर पीसेस जो बड़े बड़े बने हुए होते हैं, आप चाहें तो छोटे पीसेस कर सकते हैं, लंबे पीसेस कर सकते हैं, टमाटर ऐड करना चाहें तो टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है, जो सब्ज़ी आपको पसंद है आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं इस पिज़्ज़ास के ऊपर। बहुत ही यमी और बहुत ही मज़े का बनता है, और ये हमने सच में ट्राई करा है और हमने बनाया है तो बहुत ही मज़े का बना था। इसके बाद हम अपने तवा लेंगे या फिर कोई भी आप पैन ले लें, उसको अच्छी तरीके से हीट होने दें। जब वो अच्छी तरीके से हीट हो जाए तो हम अपने ब्रेड पिज़्ज़ास को उसके ऊपर रख देंगे, हल्का सा हम नीचे ऑयल लगा देंगे ताकि वो जले ना और अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, देना उसको ढक कवर कर देंगे। और होते हैं आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी एंड वीडियो दोनों ही पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और अपनी मदर के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।